गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बेटा आज हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.3। क्लियर है? 8.3 में बेटा सबसे पहले आपका एक रूल है, रूल नंबर 1। ठीक है, ये रूल्स किसके लिए हैं? रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैंने आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताया था ना, क्या होता है, जिसे हम जिस भी टर्म से हम अपनी इक्वेशन की मल्टीप्लाई करते हैं और वो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, तो वो आपका क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब उसके कुछ रूल्स हैं उसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, सो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने का, कि अगर इफ एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर ये कंडीशन हमारी नॉट इक्वल्स टू जीरो है एंड द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो इज होमोजीनियस, और हमारी जो इक्वेशन होगी ना ये वाली एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वो अगर हमारी होमोजीनियस है, देन 1/mx + ny इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमारे पास अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं तो उस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा, 1/mx + ny। ये क्या है बेटा, आपका रूल नंबर 1। देखो अब इसको अप्लाई कैसे करना है, सेम इसी रूल के ऊपर ये आपका एग्जाम्पल है, ये देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व। हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहले जो मुझे इक्वेशन गिवन है, मैंने अपनी इक्वेशन ले ली। ठीक है, स्टेप आपके वही रहेंगे जो हम बाकी एक्सरसाइज में कर रहे थे। हमारा क्या स्टेप था, सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप था कि हमें कंपेयर करना है अपनी इक्वेशन को। सो कंपेयर इट विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, चलो कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई, एंड n की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। लेकिन यहां हमारे पास जो टर्म है हमें कंपेयर करना है प्लस एन डी वाई के साथ, बट यहां पे माइनस का साइन है तो हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। क्लियर? इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हमने m को डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू y। एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, और y की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1। अब मुझे n को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, चलो माइनस एज इट इज एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, 3x² और y क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 0। अब हमें चेक करना है कि दोनों वैल्यू सेम है, नहीं दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल नहीं आ रही है। इट मीन्स कर्ली एम अपॉन कर्ली वाई इज नॉट इक्वल्स टू कर्ली एन अपॉन कर्ली एक्स। क्लियर? तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, है ना। तो हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास कर्ली एम अपॉन कर्ली वाई इज नॉट इक्वल्स टू कर्ली एन अपॉन कर्ली एक्स तो हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती। फिर हम अपनी इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमने क्या करना है, मुझे यहां पर अपना रूल अप्लाई करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में, हर एक इक्वेशन में हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। ये हम अपने आप से जजमेंट लेते हैं, बाय इंस्पेक्शन हम चेक करते हैं कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो यहां पर मैं अपना रूल अप्लाई कर रही हूं। कैसे रूल अप्लाई कर रही हूं, सबसे पहले मैंने यहां पर क्या चेक किया है कि जो मेरी इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या मेरी होमोजीनियस है। हाँ, देखो हमें इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और हमारे पास एक्स की पावर एन के टर्म में जो इक्वेशन होती है दैट इज योर होमोजीनियस इक्वेशन। तो मैंने सबसे पहले कंडीशन चेक की कि यस बट इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन। तो हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमारी होमोजीनियस तो है, तो मैं यहां पर अपना रूल नंबर 1 को चेक कर सकती हूं, क्योंकि रूल नंबर 1 के लिए मेरे पास इक्वेशन एक तो होमोजीनियस होनी चाहिए, सेकेंडली हमारे पास क्या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। दोबारा देखो बेटा, मैं अपना रूल नंबर 1 चेक कर रही हूं कि अगर मेरे पास एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो और मेरी इक्वेशन होमोजीनियस अगर है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा। तो होमोजीनियस इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है मेरी रूल के अकॉर्डिंग। अब बस एक स्टेप करना रह गया है, मुझे चेक करना है क्या एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो है। अगर वो भी नॉट इक्वल्स टू जीरो हो गया तो इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/mx + ny। तो चलो यहां पर चेक करते हैं एम टी एक्स प्लस एन डी वाई। एम की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई,
ठीक है, प्लस, सॉरी मैंने यहां पर इक्वेशन गलत लिख दिया बेटा, ये है आपका एम एक्स प्लस एन वाई, ठीक है ना, मैंने तो कंपेयरिंग वाली लिख दी गलती से। बेटा हमें ये करना है ना एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो, मैं ये चेक कर रही हूं। तो मैंने इक्वेशन लिख लिया एम एक्स प्लस एन वाई, एम की वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर वाई और ये वाला एक्स एज इट इज, प्लस एन की वैल्यू हमने फाइंड की थी माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और ये वाला वाई एज इट इज। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू वाई, प्लस वाई किसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई माइनस वाई रेज टू द पावर फोर। अब देखो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल, तो मेरे पास क्या लेफ्ट रह गया माइनस वाई रेज टू द पावर फोर। इट मीन्स ये हमारे पास नॉट इक्वल्स टू जीरो है, मुझे तो सिर्फ क्या कंडीशन चेक करनी है कि एम एक्स प्लस एन वाई मेरा क्या होना चाहिए नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई रूल नंबर वन के अकॉर्डिंगली, इक्वेशन मेरी होमोजीनियस भी है और एम एक्स प्लस एन वाई मेरा नॉट इक्वल्स टू जीरो भी है। इसका मतलब इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या होगा वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, और अभी मैंने एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट की है, उसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये आपका क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका आ गया आपकी इक्वेशन का। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है हम क्या करते हैं, जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है हम अपनी मेन इक्वेशन में जो इक्वेशन हमें गिवन है उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो ये मुझे इक्वेशन गिवन थी, अब मैं क्या कर रही हूं मल्टीप्लाई कर रही हूं मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की दोनों साइड, तो हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई रेज टू द पावर फोर डी एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन वाई रेज टू द पावर फोर प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई रेज टू द पावर फोर डी वाई इक्वल्स टू जीरो। बेटा देखो मैंने इसके साथ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई की है और इसके साथ भी, दोनों के साथ अलग अलग ब्रेक करके मल्टीप्लाई की है। ठीक है, तो हमारे पास क्या टर्म लेफ्ट रह जाएगी, इसी कैंसिल, यहां पर ये कैंसिल, तो हमारे पास हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन वाई रेस टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इज योर न्यू इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें फिर से कंपेयर करना है, कंपेयर विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो। अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब एंड n की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स क्यूब अपॉन वाई रेस टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन वाई। अब आपको स्टेप्स पता ही हैं, अब इसके बाद स्टेप्स हमने वही करने हैं m की डिफ्रेंसिएशन y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x हमारा क्या रहेगा कॉन्स्टेंट और वन अपॉन वाई क्यूब की डिफ्रेंसिएशन हमारी क्या हो जाएगी ये हो जाएगी थ्री अपॉन तो ये हो जाएगी थ्री अपॉन वाई रेस टू द पावर फोर। मैं डायरेक्ट लिख रही हूं बेटा, आप ये करके देख लेना, माइनस और माइनस देखो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रेस टू द पावर फोर। अब हमने एन की डिफ्रेंसिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो वन अपॉन वाई रेस टू द पावर फोर तो एज इट इज कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यूब की क्या हो जाएगी थ्री एक्स स्क्वायर और वन अपॉन वाई क्या हो जाएगा जीरो, तो हमारे पास क्या लेफ्ट रह गया थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रेस टू द पावर फोर। देखो दोनों वैल्यूज अब इक्वल आ गई है ना, तो कर्ली एम अपॉन कर्ली वाई इज नॉट इक्वल्स टू कर्ली एन अपॉन कर्ली एक्स, इट मीन सॉरी मैं जल्दी में क्या लिख गई, कर्ली एम अपॉन कर्ली वाई इज इक्वल्स टू कर्ली एन अपॉन कर्ली एक्स। अब हमारी वैल्यूज इक्वल हो गई है, इट मीन्स हमारी इक्वेशन क्या हो गई है एग्जैक्ट, फाइनली हमारी इक्वेशन क्या हो गई एग्जैक्ट इक्वेशन हो गई है। उसके बाद अब आपको पता ही है क्या फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन आपको सबको फाइंड आउट करना आता है, तो ये पार्ट बेटा आपको सॉल्व करना है, क्लियर है। देखो बेटा ये है आपका, ये मैं आपको रूल करवा रही थी, रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर रूल नंबर वन मैंने आपको बताया, ये आपका एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको कराया है, सॉल्यूशन आपको खुद फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आप बच्चों को सबको आता है,
ठीक है। तो ये आपके लिए है। अब ये आपकी बेटा एक्सरसाइज 8.3, इसमें से 4 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस आपके यही रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंगली होंगे, तो आज आपको ये ट्राई करना है। क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 और रूल नंबर 1 बहुत सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है देखिए। इफ द इक्वेशन MTX + NDY इज इक्वल टू 0, अगर मेरे पास इक्वेशन क्या आती है इक्वल्स टू 0 इज ऑफ द फॉर्म दिस, देन 1/MX - NY इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडेड MX - NY इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां पर बेटा वो हमें रूल नंबर 2 में बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है MTX + NDY इक्वल्स टू 0, वो अगर मुझे इस फॉर्म में मिलती है, यानी कि अगर मेरा फंक्शन X * Y में है और Y साथ में मल्टीप्लाई में भी है, सेम X * Y में है और X हमारा मल्टीप्लाई में है, तो अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो उस इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा किसके क्या होगा, 1/MX - NY होगा, जिसमें MX - NY इज नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। तो हमें दो कंडीशन चेक करनी है रूल नंबर 2 में, एक तो आपका MX - NY नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में होनी चाहिए, तब वो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा, 1/MX - NY। अब बेटा ये एग्जाम्पल आपको ही करना है क्योंकि बिल्कुल सेम है, मैं आपको इसका एक आइडिया बता रही हूं। देखो एग्जाम्पल, सॉल्व XY² + 2X² (Y³) (dx) + X²(Y - X³)(Y²) = 0। अब बेटा ध्यान से देखो, हमें फंक्शन चाहिए था X * Y के टर्म में। देखो यहाँ पे X * Y के टर्म में है ना, यहाँ पर भी X * Y के टर्म में है, तो इट मीन्स अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करती हूँ, सेम M और N की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों को हमने डिफ्रेंशिएशन करनी है, डिफ्रेंशिएशन करके ये नॉट इक्वल आएंगे, इट मीन्स हमारी इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट है। तो अब हम यहाँ पर अपना रूल अप्लाई करेंगे। मैंने बेटा यहाँ पे क्या किया, MX - NY, ठीक है ना, रूल नंबर 2 में आपको क्या चेक करना है, MX - NY। तो मैंने MX - NY यहाँ पर पहले चेक किया, M की वैल्यू पुट करूंगी, N की वैल्यू पुट करूंगी, सॉल्व करूंगी और चेक करूंगी क्या मेरी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है, और मेरी वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, नॉट इक्वल्स टू 0 ही आ रही है। तो नॉट इक्वल्स टू 0 इट मीन्स हमारी फर्स्ट इक्वेशन की, रूल नंबर 2 की फर्स्ट जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। सेकेंड कंडीशन क्या थी, कि हमारा जो फंक्शन होगा वो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर, देखो ये जो मुझे इक्वेशन गिवन है ना, इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। कैसे कन्वर्ट करूंगी, जो मुझे यहाँ पर वैल्यूज गिवन है, देखो यहाँ पर वाई भी कॉमन है, यहाँ भी वाई कॉमन है, यहाँ पर एक्स भी कॉमन है, यहाँ पर भी एक्स कॉमन है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन में यहाँ पर से वाई कॉमन लिया और यहाँ से एक्स कॉमन लिया। अब ये इक्वेशन मेरी इस फॉर्म में क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। इट मीन्स रूल नंबर 2 के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, 1/MX - NY। इसकी वैल्यू अभी आपने यहां पर ये फाइंड आउट की है, इसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, सो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद आपको पता ही है बेटा आपको कैसे सॉल्व करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आपको मेन इक्वेशन में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करके आपको फिर से वही चेक करना है, एम और एन की वैल्यू निकालनी है, चेक करना है दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। इक्वल आ रहे हैं तो वो आपकी क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर। तो लास्ट में फिर आपको बस सॉल्यूशन निकालना होता है, ये आप लोगों को पार्ट करना है बेटा। सो दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 8.4। तो बेटा ये जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, ये दोनों इसमें सिर्फ 1-1 एग्जाम्पल से, और एक्सरसाइज में भी इसमें आपके 5 क्वेश्चंस हैं, सो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस टुडे। क्लियर। सो आज हम ये करते हैं, आज आपको बेटा ये क्वेश्चंस करने हैं और आपको इसके डाउट्स लेने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगी, ठीक है। और किसी भी बच्चे को किसी में भी कोई डाउट होगा तो बेटा आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।